तो सर आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आप लॉटरी का टिकट लॉटरी जीतने के लिए जो आप प्रभाव पूछ रहे हैं उसके लिए हमारे जीवन में जो योग बनता है जो जो ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनता है उसी के हिसाब से हमें लाइफ में लॉटरी का फेवरेबल सपोर्ट मिलता है, दशा बनती है, अंतरदशा बनती है उसकी। तो वो तो कोई एकदम डायरेक्ट आपके हॉरोस्कोप के अनुसार कुछ ऐसा दशा नहीं दिखता है, किंतु जो शनि प्लैनेट है, शनि भगवान है, वो आपकी कुंडली के अनुसार आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो आपको भाग्य अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि लॉटरी इज़ रिलेटेड टू योर भाग्य, आपकी लक से रिलेटेड है लॉटरी जीतना। तो अगर आप लक से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं, अगर उन प्लैनेट्स के प्रभाव को आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके लक में आपको सपोर्ट करेगा। तो शनि के प्रभाव को आपके जीवन में बढ़ाने के लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफायर आप धारण करें। ब्लू सफायर के बारे में बहुत अच्छे वीडियोस हम लोगों ने बना के अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हुए हैं, जिसमें ब्लू सफायर की क्वालिटीज़ के बारे में, प्राइजेस के बारे में, और कैसे ब्लू सफायर धारण करना है और किन किन चीज़ों से बचना है ब्लू सफायर धारण करने के लिए, उसका टेस्टिंग मेथड भी कई लोग हमसे पूछते हैं। ब्लू सफायर को टेस्ट करना पड़ता है पहनने से पहले, धारण करने से पहले। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने कुछ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरी आपकी जो क्वेरी थी कि शत्रुओं से आपकी प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान कार्तिकेय का आपको साधना करनी है, भगवान कार्तिक का आपको पूजा प्रार्थना करनी है, जो अपने शत्रुओं से हमको बचाने में, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आपको हेल्प करती है वो शक्ति। माँ दुर्गा जी के सप्तशती पाठ के 8वें चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं विनायक जी, जो कि वो भी अपने शत्रुओं से बचने के लिए, शत्रुओं से आप प्रोटेक्शन पाने के लिए हमें ये वाला पाठ करना पड़ता है। तीसरा जो आपको बहुत अच्छी रेमेडी विनायक जी बता रहे हैं कि 11 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। देखिए रुद्राक्ष भगवान शिव जी का, भोले शंकर जी का एक अंश मात्र बोलते हैं। ऐसा कहते हैं कि रुद्राक्ष भगवान शिव जी के आंसुओं से, अश्रुओं से जो रुद्राक्ष पैदा हुए थे, तो उसमें बहुत इसमें एनर्जी होती है, भगवान भोले शंकर जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष तो भगवान रुद्र का अवतार, हनुमान जी का अवतार बोला जाता है। तो अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल 11 मुखी रुद्राक्ष, बढ़िया क्वालिटी का, और एक बढ़िया क्वालिटी का 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको कहीं से मिल जाए और उसको आप अच्छे से पूजा प्रार्थना करके, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, अगर आप उसको सही तरह से धारण करें, उसको रेगुलर पहने रखें, और आप वो पहनने के बाद अगर आप ये जाप जो आपको विनायक जी बता रहे हैं अगर वो करेंगे, तो रुद्राक्ष हमारे जो ऑरा है, हमारी जो एक प्रोटेक्शन लेयर हमारे शरीर के आसपास रुद्राक्ष बनाता है, उसको स्ट्रांग करेगा। और दूसरा ये जो आपको मंत्र साधना बताया गया है कार्तिकेय भगवान जी का और माँ दुर्गा जी का, इनको अगर आप सच्चे दिल से और डिसिप्लिन के साथ इसको करेंगे, तो डेफिनेटली कोई शत्रु आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।